अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ अल्लाह पाक आपको खुश रखे, ज़िंदगी और तंदुरुस्ती के ज़िंदगी और तंदुरुस्ती के साथ रखे और हमेशा आपको शाद आबाद रखे, अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और व्यूअर्स, आज मैं बना रही हूँ चने की दाल। चने की दाल मैं बना रही हूँ भुनी हुई, तो वो आप ज़रूर देखिएगा कि मैं कैसे बनाती हूँ। ठीक है जी, ये मैंने ऑयल डाला, इसमें लाए रखना, ऑयल डाल दिया। अब ऑयल गर्म होता है, ऑयल गर्म हो गया। अब मैं इसमें डालूंगी प्याज, ये मैंने प्याज कटा हुआ, ये प्याज डाल दूंगी, इसमें ये प्याज डाल दूंगी। ये प्याज को थोड़ा सा मैं थोड़ा सा पकाऊंगी, हल्का सा। फिर इसमें मैं अदरक लहसुन का पाउडर डाल दूंगी और साथ ये टमाटर डालूंगी और फिर नमक और मिर्च डालूंगी। ठीक है व्यूअर्स, आप पे डिपेंड करता है कि आप, अगर आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश भी डाल सकते हैं, अगर ये बंदी नहीं है, ये चने की दाल है। ये देखिए, ये जब थोड़ा सा प्याज को मैं हल्का सा सोते करती हूँ, ठीक है। ये देखिए व्यूअर्स, ये प्याज थोड़ा सा पक गया। अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर का पेस्ट, ठीक है। टमाटर का मैंने पेस्ट डाल दिया, ये टमाटर का पेस्ट डाल दिया। अब मैं इसमें डालूंगी अदरक लहसुन का पाउडर, ये मेरे पास लहसुन का पाउडर है, ये डालूंगी, ठीक है जी। ये अदरक पाउडर है, ये डालूंगी, झटपट बनने वाली ये रेसिपी है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छी है। ये देखें, ये मैंने नमक लिया, ये लाल मिर्चें लिए, गरम मसाला पिसा हुआ थोड़ा सा लिया, ये सूखा धनिया और ये हल्दी है, ठीक है जी। ये मैं डाल दूँ इसमें, ये देखें, बड़ी अच्छी खुशबू भी आ रही है और बड़ी चटपट बनने वाली दाल है। ये देखिए, ये मैंने थोड़ा सा पानी डाला, ये मैंने थोड़ा सा पानी डाला है। मैं इसको भून के थोड़ा सा भूनूंगी, फिर इसके बाद ये चने की दाल डाल दूंगी। और चने की दाल डालने के बाद मैं थोड़ा सा इसे प्रेशर कुकर में रख दूंगी 10 मिनट के लिए, क्योंकि 10 मिनट में ये दाल गल जाएगी, ठीक है। ये देखिए, ये ऑयल ऊपर आ गया बिल्कुल। अब मैं इसमें दाल डाल दूंगी, ठीक, ये दाल डाल दूंगी, ये देखिए ये दाल है, इसको पकने के लिए मैं 5 से 10 मिनट तक बस रखूंगी। थोड़ा सा पानी और डाल दूं ताकि दाल जो है वो अच्छी तरह गल जाए। चलिए, दाल अच्छी तरह गल जाएगी, ये रेडी हो गई है बिल्कुल दाल हमारी। ये देखिए, ये देखिए, ये ऑयल ऊपर आ गया, ये देखिए, ये ऑयल सारा ऊपर आ गया, ठीक है जी। अब मैं इसको आपके सामने डिश आउट करती हूँ, ये देखिए, ये देखिए व्यूअर्स, ये मैं डिश आउट करती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये माशाल्लाह, ये बहुत मज़े की बनती है जी। ये था हमारा आज का व्लॉग, आज हमने बनाई है चने की भुनी हुई दाल बनाई है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा और मुझे इसका फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
जी व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी बहुत ही टेस्टी रेसिपी चने की दाल। ये वीगन रेसिपी है और नॉन वेज लोग भी खा सकते हैं और वेज लोग भी खा सकते हैं बहुत शौक से। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।